स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे सीएम की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोहार परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं में तेजी लाने के साथ साथ समय पर योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा है कि योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता का लाइव वेरिफिकेशन होगा। की समीक्षा बैठक, जोहार पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा, विकास योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन में सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान सीएम ने जोहार परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं के प्रगति की जानकारी ली, साथ ही योजनाओं में तेजी लाने और समय पर पूरा करने समेत कई दिशा निर्देश दिए। जो सरकार की मंशा है ये कागज पर नहीं धरातल पर काम हो, और जो सरकार काम कर रही है उसका लाभ लोगों को मिले, और ये कैसे सुनिश्चित हो, कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, इसका एक हम लोगों ने तैयारी किया है, और मुझे लगता है बहुत जल्द इस विषय से हमें एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जोहार परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा, विकास योजनाओं में तेजी लाने और समय पर पूरा करने के निर्देश। सीएम ने कहा, बजटीय प्रावधानों के अनुकूल योजनाओं में लाए गति, योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता का लाइव वेरिफिकेशन होगा। योजनाओं में ऐसी कोई लापरवाही ना बरती जाए जिससे गुड गवर्नेंस पर आंच आए। अधिकारी फील्ड विजिट कर योजनाओं के जमीनी हकीकत की ले जानकारी। जोहार परियोजना पोर्टल को और बेहतर बनाने के लिए होंगे कई बदलाव। ये सड़कों को लेकर बहुत कुछ आया है, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन को लेकर के बहुत कुछ आया है, कुछ बिजली के हैं, कुछ इरिगेशन के हैं, बहुत सारे हैं, नगर विकास है, कई चीजें सब कम बेसी है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक वाचिंग टावर होगा सरकार का, जहां से सभी योजनाओं का समय समय पर उसकी जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजनाओं में गुणवत्ता का ख्याल रखने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कहा है कि विभागों में तालमेल बनाकर योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर तरीके से किया जाए। उन्होंने विभागीय सचिवों को भी योजनाओं की प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीएम की समीक्षा बैठक पर क्या कुछ रहा और किस तरह से दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए और किस तरह से लाइव वेरिफिकेशन होगा और लाइव वेरिफिकेशन जो होगा उससे कितना प्रभाव पड़ेगा अधिकारियों पर, वो जो काम चल रहा है, जो योजना चलाई जा रही है जनता हित के लिए, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा राजेश? जोहार परियोजना पोर्टल का माध्यम से पहली बार इसकी समीक्षा की गई है, और सरकार का यह मकसद ही रहा है कि हम उन योजनाओं को पारदर्शिता के साथ पब्लिक डोमेन में रखें जिस पर काम चल रहे हैं या चलने वाले हैं, तो ताकि उसका अधिकारियों पर भी असर पड़े। अधिकारियों पर असर इस तरह से पड़ेगा कि अगर काम का निष्पादन समय पर नहीं होगा और उसकी राशि खर्च नहीं होती है, तो इससे में सवाल सरकार के मुखिया भी पूछ सकते हैं और मुख्य सचिव पूछ सकते हैं और जनता भी जान सकती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों राशि खर्च क्यों नहीं हो रही है। तो एक तरह से आप कहें कि ऑनलाइन अपडेशन का सिस्टम सरकार ने पहले भी अपनाया था और इस बार से उसे बड़ा ही अच्छी तरीके से इन्फोर्स किया जा रहा है। जो परियोजनाएं चली आ रही है, जैसे आप स्वर्ण रेखा परियोजना के बारे में आप देख लीजिए, या पतरातु पीटीपीएस के बारे में आप देख लीजिए, सारी योजनाएं और भी कई लगभग आधे दर्जन परियोजनाएं हैं, उनकी समीक्षा भी की गई कि आखिर कहां पर कितना काम हुआ है और अगर इसकी गति कम है तो क्यों है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि काम में कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही इस लिहाज से कि यह
लेट ना हो, विलंब ना हो, क्योंकि जब भी कोई परियोजना में विलंब होता है तो उसका कॉस्ट एस्केलेशन होता है, यानी उसकी लागत बढ़ जाती है, तो अंततः सरकार को ही उसका खामियाजा उठाना पड़ता है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि समय पर परियोजना लीजिए, और जो बजट आवंटन है, मतलब अलॉटमेंट है, उस अलॉटमेंट के अनुरूप आप योजनाओं को टेकअप करके, चूंकि योजनाओं का स्वीकरण तो पहले हो जाता है, उसके बाद यह आवंटन होता है, उन आवंटन की राशि जो है उसे आप खर्च कीजिए, और नहीं खर्च करते हैं तो इसके लिए कौन से तत्व जिम्मेवार हैं, कहाँ कौन सी परेशानी हो रही है, वो कोऑर्डिनेशन के माध्यम से उनका निदान किया जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि जो भी सरकार का काम है, विकास के काम है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम है, उन सभी का पर काम तेजी से हो। जहाँ तक काम के में मैन पावर की ज़रूरत है, तो मैन पावर हायर करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी लिस्टेड एजेंसी होती है उनसे हायर की जा सकती है, अगर कहीं ज़रूरत इसकी पड़ती है तो। और समय पर काम होना चाहिए, यह प्रायोरिटी मुख्यमंत्री ने दिखाई है और आगे भी करेंगे। समीक्षा बैठक तो उसमें अपडेशन होगा कि कितना काम हुआ है, चूँकि आज जो बैठक हुई है इसके हिसाब से देखा जाएगा कि अगले एक महीने के बाद जब फिर से बैठक होगी तो समीक्षा की जाएगी, तो ये देखा जाएगा कि कितना काम आगे बढ़ा है और क्या कोऑर्डिनेशन का बना के विभाग काम कर रहे हैं। देखिए, कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो पेयजल की योजनाएं हो या फिर बिजली की ऊर्जा की प्रोजेक्ट की बात हो, इन सब के लिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विभिन्न विभागों के बीच होना ही चाहिए, नहीं तो फिर परियोजनाएं लटकी रह जाएंगी। बहुत सारी जगहों पर आप देखे होंगे कि जहाँ पर सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है, वहाँ पर बिजली के खंभे अभी भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा विभाग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि वह उन बिजली के पोल्स को हटाए और उसे सही जगह पर शिफ्ट करे। प्रोजेक्ट भले ही आरसीडी का हो, लेकिन ऊर्जा विभाग का उसमें इन्वॉल्वमेंट स्वतः हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछाई जानी है तो उसमें भी जो सड़क है या वो आरसीडी का हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ये बात है तो वहाँ पर ग्रामीण पथ विभाग जो होता है, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत उसके जो विभाग हैं उसके अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन बना के ये काम किया जाना चाहिए। प्रायोरिटी यही रही है मुख्यमंत्री की, कि और शायद में एक तरह से आप कहें कि हिदायत भी है कि आगे अगर जो काम नहीं करेगा तो उन्हें चिन्हित करके दंडित भी किया जा सकता है, और प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए भी उन्होंने कहा है। जो अपने मुख्यमंत्री तो अपनी समीक्षा करेंगे गाहे वगाहे, वो एक महीने डेढ़ महीने बाद करते ही रहते हैं और करेंगे भी, लेकिन प्रधान सचिव के स्तर पर, विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनके स्तर पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसकी कमी महसूस की गई है कि मॉनिटरिंग का अभाव रहा है, जिस कारण से योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और डेट और एक पीरियोडिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और इसकी रिपोर्ट भी मुख्य सचिव को पहुँचनी चाहिए, और मुख्य सचिव के माध्यम से फिर यह मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट पहुँचेगी। साफ तौर पर संकेत है कि काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, काम समय पर पूरा होना चाहिए, और काम को करने में ईमानदारी भी होनी चाहिए और पारदर्शिता भी होनी चाहिए। शारिफ, कुछ विभागों में कुछ कमियां पाई गई है, कुछ सुस्ती है, उसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, राजेश? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि मॉनिटरिंग के अभाव में कई विभागों की कई परियोजनाएं थोड़ी विलंबित हैं, या लंबे समय से वो उस पर काम नहीं हो पाया है, या गति जो है इसकी धीमी है, तो ये चिंता जताई है मुख्यमंत्री ने कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। कुछ परियोजनाएं जो है दशकों पुरानी है और उस पर काम नहीं हुआ, पैसे आवंटित हैं, फिर फेज वाइज जो काम होना है वो क्यों नहीं टाइम बाउंड सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, तो ये महसूस किया गया कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, इसलिए ऐसा होगा। योजनाएं हैं वो सही दिशा में काम करेगी और उसका लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया राजेश आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जुड़े, आपका शुक्रिया राजेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।